जब पहली बार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय आया तब लगा मैं कहाँ हूँ, किस लिए आया हूँ और क्या है यह मीडिया डिपार्टमेंट। जवाब अब जाकर मिला, जो बंद आँखों से सपनों को खुली आँखों से जोड़े वह है चाणक्य भवन के एक छोटे से भाग में बसा अपना मीडिया डिपार्टमेंट। शुरुआत से बस से आने में बहुत आलस आता था और वही आज आने में मज़ा आता है। फिर बने विश्वविद्यालय के कुछ दोस्त जिनके बिना आज पूरी ज़िंदगी बेकार है। याद आता है वह समय जब प्लान करके किंसुक सर की क्लास को बंक करना पर उन्हीं मित्रों के साथ शिद्दत से लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, परीक्षा में बुरे मार्क्स आने पर दिलासा भी दिलाना और अच्छे मार्क्स आने पर गालियाँ भी सुनाना, जब एक परेशान हो तब सब परेशान हैं ये भाव आना, यहाँ पैसे जानबूझ कर न लाना और लंच सबका उड़ाना, बहुत याद आएगा। याद आएगा वह रवि सर का अपर्चर और शटर स्पीड और उनका वाह बेटा कहना, कॉरिडोर में घूमते हुए सुजीत सर से पकड़े जाना, उनका यह पूछने पर कि कहाँ घूम रहे हो का एक ही जवाब हमेशा होना, लाइब्रेरी सर। याद आता है, याद आता है अतीश सर की डांट को सुनने के बाद सभी मित्रों का मंद मंद मुस्कुराना और उसी डांट से अपनी ज़िंदगी को सुधारना, जब देव सर का कम्युनिकेशन थ्योरी ना समझने पर आर्टिस्ट बनकर अपनी कॉपी में तस्वीर बनाना, नूर सर का लैब में सॉफ्टवेयर की बारीकियों को समझाना, बहुत याद आता है। परीक्षा से पहले एक रात पहले रात भर जागकर पढ़ना, बहुत याद आता है। इस मीडिया डिपार्टमेंट ने जितनी जिम्मेदारियाँ और बारीकियाँ सिखाई है उतनी ही मस्ती भी सिखाई है। हम सभी को हमेशा कोविड बैच कहा गया क्योंकि इस कोरोना ने हमें बहुत सारे क्लास से वंचित किया, फिर भी बहुत सारे यादें जुड़ी, जैसे कि दीपोत्सव में एक साथ दिए जलाना और डीजे की धुन पर नाचना। वही हाल में ही हुए होली मिलन समारोह में हुई मस्ती, सारे जूनियर सीनियर मिलकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाना और एक साथ होली के गीत गाना हमेशा हमारे स्मृतियों में याद रहेंगे। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना से मुझे यूनिवर्सिटी से क्यों जाना यह कब हुआ पता न चला, हम आए थे मुस्कान सजाकर, उम्मीदों की दुकान सजाकर और जा रहे हैं एक जिम्मेदारी की आशा और कुछ मस्ती भरी यादों को अपने स्मृतियों में सजाकर।